दानिश तैमूर पर चोरी का इल्जाम लग गया है। दानिश तैमूर ने फिल्म तेरे नाम का आइकॉनिक सीन चुरा लिया है। पाकिस्तानी अदाकार दानिश तैमूर के नए ड्रामे तेरी छाओं में की पहली किस्त देखकर नाजरीन को बॉलीवुड फिल्म तेरे नाम का आइकॉनिक सीन याद आ गया। इन दिनों दानिश तैमूर ड्रामा तेरी छाओं में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके मद्दे मुकाबले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अदाकारा लाइबा खुर्रम को कास्ट किया गया है। ड्रामे की पहली किस्त में दानिश तैमूर बतौर सालार यूनिवर्सिटी की तालिबा का किरदार विदिमा मुजफ्फर निभाने वाली लड़की को पहली नज़र में देखकर उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी किस्त में यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीरी मुकाबला दिखाया गया है, जिसमें विदिमा ने भी हिस्सा लिया और उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार सालार उनको देखने ऑडिटोरियम में जा बैठे। ड्रामे का ये सीन देखकर नाजरीन को बॉलीवुड फिल्म तेरे नाम का आइकॉनिक सीन याद आ गया, जिसमें सलमान खान बतौर राधे फिल्म की हीरोइन निर्चना की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उनकी तकरीर सुनने ऑडिटोरियम में बैठे नजर आते हैं और तकरीर से बोर होकर तमाम लोग ऑडिटोरियम से चले जाते हैं, लेकिन राधे हर बात से बेखबर बस निर्चना को सुनने में मसरूफ थे और आखिर में उनके लिए तालियां भी बजाते हैं। सोशल मीडिया पर दानिश तैमूर के ड्रामे और तेरे नाम के सीन्स को जोड़कर लगाया जा रहा है और इसे एक बड़ी नकल करार दिया जा रहा है। इस नकल पर जहां सोशल मीडिया सारिफिन मुख्तलिफ तबसरे करते दिखे, वहीं पाकिस्तानी अदाकार और हिदायतकार यासिर हुसैन ने भी इस सीन को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा कि हिदायतकार कौन है भाई, क्या चल रहा है। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पर एक सारिफ ने लिखा कि आजकल तो सभी कॉपी चल रहा है, जबकि दानिश तैमूर के एक मतदान ने लिखा कि हाँ दानिश तैमूर पाकिस्तान के सलमान खान है। सोशल मीडिया सारिफिन की एक बड़ी तादाद इस नकल पर कुछ लिखने के बजाय सिर्फ हंसने वाले इमोजीज भी बनाते नजर आ रहे हैं।